बहुत सुंदर शब्द नानक प्रकाश ने आखे ने कि इतना कुछ सुनने के बाद साहिब गुरु नानक साहब पातशाह तलख नहीं होए, भंग नहीं हुई। बोले नानक बैन, गुरु नानक साहब पातशाह ने बचन आखे ते आखे किवें ऐन सुख गुण दया, सुख दे घर विच आके, गुण दे घर विच आके, दया दे घर विच आण के खुशी खुशी आखे आखण लगे काजी जी। बोले नानक बैन, ऐन सुख गुण दया। काजी काजी नमाज सदन मैं मन गया, सदन का अर्थ घर, जदों नमाज से समान तुहाडा अपने घर विच सी इत्थे नहीं सी। दौलत खां ते काजी ने एक दूजे वल वेखिया, इशारियां विच इह गल समझ विच आ गई कि बिल्कुल ठीक कह रहे ने, गलत नहीं कह रहे, जिथे सां इन्हां ने दसाया। दोवां ने सिर चुकाया मत्था टेके इह गल आखी, नानक जी तुसीं महान हो, तुसीं उत्तम हो, तुहाडी नमाज हो रही है हर वेले रही है, तुसीं जुड़े हो पक्का जो, असीं टुटे हैं बेशक नमाज पढ़ रहे हैं। साहिब श्री गुरु नानक साहब पातशाह ने समुची उम्र कोई भेद नहीं रखिया, किसी संपर्दा नूं मुख रख के कोई गल नहीं की। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ पातशाह ने कित भेद नहीं किया। श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की बाणी कित भेद नहीं करती, क्योंकि गल आरंभ साहिब श्री गुरु नानक साहब पातशाह तो ही सी। साहिब श्री गुरु नानक साहब पातशाह दे थे झलक मिलदियां ने जीवन दियां, बचपनों महान। उस तो बाद उदासियां दियां ते फिर बड़ियां घटनावां होर घटदियां ने, वह करतारपुर साहिब घटदियां ने। आप जी ने मित्रता का बहुत वार जिक्र सुनिया होगा, साडे देश विच जे किते मित्रता की गल की होवे ना, किसी महान ग्रंथ नूं चुक के साडे देश दे नूं पढ़ लो, जदों मित्रता का जिक्र आउंदा है उदों कृष्ण ते सुदामा जी का जिक्र जरूर, जिते होर गल आखी है पंडित नरोत्तम दास ने आखी है, होर सियाणियां ने आखी है। श्री कृष्ण जी के जीवन इतिहास ने आखी है, उत्थे गुरु ग्रंथ साहब पा ने भी सुदामे ते श्री कृष्ण का जिक्र किया। भाई साहब भाई गुरदास जी ने मात्र इतना नहीं आख्या कि चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल सतगुर कोट पेंडा आगे हुए लेत है, एक बित है चौं महावाकां दा, चौं सतजां दा, ए पूरी तरह कंप्लीट हुंदा है, पूरी तरह बनदा है एक बंद। जदों तक चौथे महावाक ते जाके असी गल नहीं मुकाउंदे असी इहनूं समझ ही नहीं सकदे। भाई साहब कहिंदे गुरदेव करोड़ां कदम चल के आउंदे ने, लैण आउंदे ने, पर सज्जन उहदे वास्ते कुछ शर्तां ने। सिख नूं करोड़ कदम चल के गुरदेव लैण जांदे ने, पर जे उहनां शर्तां दा निभा करे, हुण शर्त की है? आप इस तों अगला महावाक पढ़ो, जिहनूं किसे सज्जन याद आ उहदे वास्ते सोने ते सुहागा होएगा, वधेरे ध्यान दे के वेख्यो। चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल सतगुर कोट पेंडा आगे हुए लेत है, एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र। हजूर कहिंदे एक बार परमेश्वर दे नाम दा सिमरन कर तो जी, एक बार हिरदे विच खिच लैके घजो तो जी, जे घर तो गुरुद्वारा साहब नूं जां मंदिर नूं सीत नूं चलिया है, घजों जे तू अपने गुरु नूं मिलन चलिया है, ते तुरन लगियां अंदर दियां कल्पनावां भरियां ने बखीली नाल,
अंदरों जुबान ते मंदे शब्द किसे वास्ते आ रहे ने, तेनू लैण नहीं आना, चले ते जाएगा पर यह मत सी तेनू लैण वास्ते आए। लैण तो आएगा एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है, जे गुरु का हेत मुड़ मुड़ के लेना है तो उस सिमरन करके मिलेगा, उस याद करके मिलेगा, उस खिच करके मिलेगा। दूजी शर्त लाई भाई साहब ने, तो शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे हुए लेत है। इस गल मुख रख के दूजी शर्त वेखो, जे पावनी भगत पाए कौडी अगर भाग रखे, भावनी भावना ले भगत पाए, पाए दर्द प्यार प्रेमा भगती लैके प्यार दे नाल भरी हुई भगती लैके घरों पै, भावनी भगत पाए कौडी पाख है, तो उस तो बाद गुरदेव सामने जाके बेशक एक कौडी रख के मथा टेक दी, करोड़ा ना रखी, जे तेरे को करोड़ा नहीं एक कौडी ते भी वह मेहरबान हो जाएगा, पर चाहिए तेरी भगती ते भावना वह लैण वास्ते आ। अपनी भगत पाए कौडी अगर भाग रखे, ताहे गुर सर्व निधान दान देत है। निधान दर हुंदा खजाना, एक कौडी के बदले समुचे खजाने देव तो लै सकता है, पर शर्त निभा के तो नहीं। एक दिन एक घटना घटी जिन्हें बाबा लैणा अंदरों तृप्त कर दिता, मिलन तो पहला ही बाबा लैणा पूर्ण हो गया। मैं बेनती करा कदे कदे शरदा इतनी प्रफुल्लत होंदी है कि अंदर दियां निकलियां हुई किरणा सामने वाले मिलन मजबूर कर दिंदियां ने, और गुरु ते दयावान है। एक सज्जन आया, उहदा नां इतिहास ने छियां लिखिया, साखियां उहनूं छियां कहिंदियां ने। बाबा छियां घरों बड़ा गरीब से, मजदूर से, दिन विच मेहनत करदा सी, शाम नू जांदा सी, आटा लै लैंदा सी जां कुछ भी खरीद लैंदा सी, घर विच जाके उहदे नाल गुजारा हो जांदा। बाबा छियां बाबा लैणा जी कोल गया, तां जी कोल जाके आखण लगा, ऐ लै पैसे मैनू आटा दे दे। उहने पैसिआं दा आटा थोड़ा आउंदा सी, उहनू सीधा कहिंदे ने उस बोली विच जिवें लिखिआ है कि बाबा छियां सीधा लैण गया। सीधा दा अर्थ ही आटा है, और आटा वह जिहदे विच बहुत कुछ ज्वार जौ होर बहुत कुछ इक करके पाया जांदा सी, वह कई चीज़ों का सुमेल आटा हुंदा सी, मात्र कणक का नहीं। कणक का आटा उदों लभदा ही नहीं। साडे बजुर्ग जो पिछले बजुर्ग ने वह भी दसदे ने कणक अवेलेबल होण लगी है, पहले लभनी बहुत औखी सी। सीधा लैण गया बाबा लैणा जी ने, जदों सीधा पाया ना बाबे छियें दे, ते पुछ घर विच कौण आउंदे, आख्या एक मेरी घरवाली है, एक छोटा बच्चा उहदी विच। ते बाबा लैणा जी आखण लगे, इहदे नाल ते गुजारा नहीं होना, सवेरे भी कुछ खा के ही घरों जाएगा ना। दो कु मुठ्ठा आटा होर पा दिता, दो मुठ आटा ही बाबे छियें दियां अखां विच हंजू आ गए। वह आखण लगा, तू मेरा चांद खरीद लगा लैणिया, यह जिहड़े दो मुठ आटा तू पाया मेरा ईमान चला जाएगा, मैं किरत करके खाण वाला है। मेरे गुरु है किरत कर नाम जप वंड छक, जे मैं वंड के नहीं कम से कम किरत दी ते खा सकदा है, अपना आटा कट लै, सीधा कट लै, कैसे मजबूत सिख हो गए, कैसी कैसी सोच होएगी उन्होंने महापुरखों की। बाबा लैणा जी ने वो दो मुठा कढ लिया, ते दो मुठ आटा कढ़ण दे बाद बाबा लैणा जी ने सोचा कि गुरु नानक साहब पातशाह का प्रचारक तो नहीं गया। बाबे नानक ने मैनू यह गल आखी है किरत करके खाया कर, हो सारे घर में आटा होवे
ते मैनू गुरु नानक साहब नाल जोड़न वास्ते ये गल आ गया हो शक आ गया।